need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you. Do you want me? Do you want me too? I really, 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 really. Hello, guys. Welcome to the AGBT News. So, guys, आज हम बात करेंगे गुनीत पैथरो के बारे में। तो गुनीत पैथरो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पेपर पॉट्स का रोल करती हैं और पेपर पॉट्स इतना फेमस कैरेक्टर है आयरन मैन सीरीज का कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। और देन काफी ज्यादा फैंस इनके भी हैं। और आयरन मैन 3 के बाद इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो कि काफी फैंस को लग रहा था कि शायद वो हमें अपकमिंग मूवी में ना दिखाई दे, या दिखाई भी दे तो एक नई पावर के साथ। बट स्पाइडरमैन मूवी में वो एक कैमियो के तौर पे दिखी, बट बिना किसी पावर के। और फाइनली वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक छोटे से सीन में दिखी। बट अभी हाल ही में उससे रिलेटिव काफी बड़ा रूमर आ रहा है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम यानी कि स्पाइडरमैन 2 में आपको गुनीत पैथरो देखने को मिलेंगी जो कि पेपर पॉट्स का रोल करेंगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क ने पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्री का हेड बना दिया था। अगर टोनी स्टार्क कभी मर भी जाता है इन फ्यूचर भविष्य में, तो स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक होगा पेपर पॉट्स। जी हाँ, सेकंड पोजीशन पे नाम उनका था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब स्टार्क इंडस्ट्री का सेकंड पोजीशन पे नाम आ चुका था पेपर पॉट्स का, तो टोनी ने अपना पूरा ध्यान रोबोट्स बनाने में लगा दिया था। और देन आपने आयरन मैन 3 की एंडिंग तो देखी थी जो कि काफी जबरदस्त थी। और देन उसमें हमें काफी सारे सूट देखने को मिले जिसमें कि मार्क 50 तक शामिल था, पर वो रिवील नहीं करा। और देन ये सारे सूट उन्हें पहले ही बना रखे थे जो कि नैनो पार्टिकल से बने हुए थे। और देन काफी सारे सूट अलग अलग पोजीशन से। और देन इसका सीधा कनेक्शन स्पाइडरमैन मूवी में हमें देखने को मिला जिसमें कि हैप्पी और टोनी दोनों पीटर के पास थे और देन वो उसकी हेल्प कर रहे थे एक नए एवेंजर्स को बनाने के लिए। बट उसमें हमें छोटा सा कैमियो देखा पेपर्स का जो कि काफी डिफरेंट था और फैंस को उम्मीद भी नहीं थी कि ये इस मूवी में होंगी, जो कि काफी चौंकाने वाला था। बट अब क्या, क्यों आ रही है वो स्पाइडरमैन मूवी में, और एवेंजर 4 के बाद ऐसा क्या हुआ जो कि इन्हें एवेंजर मूवी के बाद अब सीधे ये स्पाइडरमैन 2 में आ रही है। तो उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि मारी हेल और निक फ्यूरी ऑलरेडी आ चुके हैं इस मूवी में। उसके बाद हैप्पी भी कंफर्म हो चुके हैं। और देन अगर हैप्पी कंफर्म है तो जाहिर सी बात है कि फिर पेपर्स तो आने ही है। और पर इम्पोर्टेंट बात है कि टोनी कहाँ पर है, क्योंकि स्टार इंडस्ट्री का जो मालिक है वो तो टोनी स्टार्क है ही है, पर जो सेकंड पोजीशन पे नाम है वो है पेपर। तो अगर हैप्पी है तो हैप्पी बॉडीगार्ड किसका है, पेपर का। तो मुझे तो लगता है कि हाँ पेपर होगी इस मूवी में, और जो रूमर है वो शायद बिल्कुल एकदम सही निकले क्योंकि स्टार इंडस्ट्री को संभालने के लिए पेपर ही है। और देन पेपर शायद टॉम से कुछ पूछने आई होगी कि कहाँ है टोनी, और देन तुम उसके साथ गए थे, क्या हुआ, क्या वो जिंदा है, या कुछ भी एवेंजर 4 में कुछ भी ऐसा कोई कांड हुआ होगा जो पता नहीं। बट मुझे लगता है कि शायद पेपर प्रेग्नेंट है और देन वो टोनी को काफी मिस कर रही है, पर टोनी उसके पास नहीं है और इसलिए पेपर और हैप्पी एक साथ निकले हैं उसे ढूंढने के लिए। तो गाइस ये था वो अपडेट। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।